देता है ना नंगा वाला रणबीर, उसका जो ब्रांड है बिग मसल। अभी साहिल भाई ने एक वीडियो शेयर किए थे उनमें कि लैब टेस्ट वगैरह वो सप्लीमेंट सही नहीं है, तो भाई किसको छोड़ के किसको विश्वास करो, उससे अच्छा हमारा उद्देशी डाइट फॉलो करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आ गए। तो आज का जो वीडियो है ना वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो डंबल पुल ओवर होता है ना वो किस लिए होता है, ये बैक के लिए होता है या चेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो भाई लोग वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस दिन आप चेस्ट लगा रहे हैं ना तो ये एक्सरसाइज जरूर लगाना, इसमें आपका चेस्ट का जो साइज है वो शेप बहुत अच्छा आ जाता है। उसके साथ वो क्या करता है, लैट्स को भी वो डेवलप कर देता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो इसका जो पोस्चर है ना ये दो तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। तरीका नंबर वन, जो बिगिनर्स हैं आप लोगों को मैं बोलता हूँ, ऐसे बेंच में सो जाइए, ठीक है। और ये जो डंबल है ना, ये डंबल को आप क्या करना है, ऐसे करके लेना है, ठीक है, क्योंकि इंजरी का चांसेस कम रहेगा, ठीक है। पहले देख लो अच्छे से, ये मेरा चिपक गया, मेरा हेड जो है मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, ठीक है। और ये जो मेरा ग्लूट है ना इसको थोड़ा क्लोज किया, और ये जो लोअर बैक है इसमें गैप बनाया हमें, ये जो गैप बनाया, ठीक है। अभी करेंगे कैसे, देखो अगर जिस दिन आप चेस्ट लगा रहे हैं ना तो चेस्ट के लिए कैसे करना चाहिए, ये जो आपका एल्बो है ये अंदर की तरफ रहेगा, अंदर, और शोल्डर को टाइट, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ जाकर ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है। ये आप जब ऐसे करेंगे ना आपको महसूस होगा खुद को कि ये हमारा चेस्ट पे प्रेशर दे रहा है, ठीक है। फिर अंदर की तरफ, टू, फिर ब्रीद इन, अच्छे से स्ट्रेच, ठीक है। ये तो हो गया भाई, फिर हम कैसे करेंगे, अभी हम करेंगे, ये तो हुआ था हमारा चेस्ट के लिए, ठीक है। सेम वर्कआउट हम करेंगे बैक के लिए, जिस दिन हम बैक लगाएंगे वो कैसे होगा, तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ बैक के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही सेम, ठीक है। ये जो एल्बो है थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा, चेस्ट जब जिस दिन चेस्ट है, चेस्ट के लिए हम करेंगे उस दिन हमारा जो एल्बो है वो अंदर रहेगा और शोल्डर टाइट उस दिन, और जिस दिन बैक करेंगे वो बाहर की तरफ। इसमें बैक ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, तो भाई लोग समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जो भी करना है अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, कैसे काम करता है। तो अभी टोपी वो भी छोड़ो, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा शौक नहीं है, अभी करेंगे चेस्ट के लिए, ठीक है। ये गैप बनाया मैंने यहाँ, ठीक है, ये हो गया चेस्ट के लिए। अभी बैक के लिए करेंगे, तो भाई पता चल गया कैसे करना है। और दूसरा एक और एक पोस्चर है, ठीक है। तो मैं खुद ऐसे करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना स्ट्रेच ज्यादा होने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम ही है, लेकिन क्या करना है, चेस्ट के दिन कोनी जो होता है एल्बो अंदर, ये, और जिस दिन बैक करेंगे ठीक है। तो भाई लोग यही था आज का वर्कआउट। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ये टिप्स आपको देख के कैसा लगा। और बात ऐसा है कि अगर आपको डाइट चाहिए, वर्कआउट चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक आपने पिंग नहीं किया तो जल्दी जाइए उसमें मेरे को पिंग कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ हूँ। अगर और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो चैनल है उसको जल्दी से जल्दी अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो, और बहुत सारा धमाकेदार जो टॉपिक है वो आने वाला है। आप अगर चाहते हैं ना तो कहीं से भी चीड़ फाड़ के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो अभी चल रहा है जो स्पॉन्सरशिप, अभी सप्लीमेंट वगैरह जो चल रहा है ना भाई, देखो खुद
देसी जो घी पनीर दूध वाला डाइट है ना उसको फॉलो करो, आप बहुत दूर जा सकते हैं। ठीक है, अभी कल ही एक निकला था ना बिग मसल, जो ऐड देता है ना नंगा वाला रणबीर, उसका जो ब्रांड है बिग मसल। अभी साहिल भाई ने एक वीडियो शेयर किए थे उनमें कि लैब टेस्ट वगैरह वो सप्लीमेंट सही नहीं है, तो भाई किसको छोड़ के किसको विश्वास करो, उससे अच्छा हमारा वो देसी डाइट फॉलो करो, और देसी जो चैनल भाई का वो सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते रहो।